सो वेल हे वो इज गेमर्स यार, आज की एक नई एंड एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो आज की ये वाली वीडियो ना बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्री फायर वी बैज आईडी कलेक्शन। तो जहां तक आप लोगों को पता ही होगा, एक वी बैज आईडी होती है एंड एक मॉडरेटर आईडी होती है। मॉडरेटर आईडी उसे कहते हैं जो कि आपके गाइजर मॉडरेटर आई मीन अपने फ्री फायर कंपनी में काम करते हैं, एंड गाइस वो फ्री फायर से जो भी चाहे वो भी मांग सकते हैं। एंड गाइस सेम केस इधर होता है अपने वी बैज आईडीज में। यार वी बैज आईडी में जो बंदा चाहे जो कुछ चाहे बंदा वो कुछ मांग सकता है, एक्सेप्ट डायमंड जहां तक मुझे पता है, या फिर जहां तक डायमंड भी मांग ही सकता है। एंड यहां तक कि अगर गाइजर उसकी आईडी बैन हो जाए तो वो अनबैन भी करा सकता है, या फिर अगर किसी और की आईडी बैन हुई है तो वो उसकी आईडी को भी अनबैन करा सकता है। तो इसे भी आप एक तरीके से मॉडरेटर ही कह सकते हो। बस फर्क इतना है कि गाइजर जो वी बैज वाला बंदा होता है वो अपने लाइक्स एंड अपना लेवल नहीं बढ़ा सकता, बट गाइस मॉडरेटर की बात करें तो मॉडरेटर अपना लाइक्स एंड लेवल बढ़वा सकता है। तो गाइजर आज की इस वाली वीडियो में मैं आपके लिए एक यूट्यूबर की आईडी लेकर आया हूं जो कि एक वी बैज आईडी है, एंड गाइस मैं आज उसका पूरा कलेक्शन रिव्यू कराने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो जो भी बता की वीडियो को लाइक नहीं करो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, एंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके और पे सेट कर देना ऐसी मजेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलने के लिए, वो भी सबसे पहले। तो चलो गाइस यार बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हम आ चुके हैं अपनी आईडी में, एंड गाइजर इस बंदे का आईडी का नेम है लूसीवर कैपिटल के लिटिल के। तो देखो गाइजर इधर आप देख सकते हो, ये है वो बंदा जिसका नाम है लूसीवर। एंड गाइजर आप इसका अवेटर बैनर देख के समझ ही चुके होंगे कि गाइजर ये बंदा ग्रैंड मास्टर क्रॉस कर चुका है, वो भी टॉप 100 में। क्योंकि गाइजर ये बैनर एंड अवेटर सिर्फ उन्हीं बंदों को मिलता है जो कि ग्रैंड मास्टर टॉप 100 पे क्रॉस कर देते हैं। गाइजर आप इसकी आईडी देख पा रहे होंगे, ये बंदा हर एक इलाइट पास बाय करता है, उसी के साथ बीआर रैंक में 5 सीजन हीरोइक एंड सीएस रैंक में 4 सीजन हीरोइक, जहां तक बंदा ऑल सीजन ग्रैंड मास्टर बनता है। इधर आप देख पा रहे होगे इसका आईडी कलेक्शन। तो इधर आप आईडी देख पा रहे होगे, इसमें गाइजर स्टार्टिंग में ही जैसे कि इस बंदे ने अपना ये हिप हॉप वाला बंडल पहन रखा है, उसके बाद गाइजर अगर हम स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो यार आईडी में इसके कलेक्शन इतना है कि देखते देखते थक जाओगे। तो गाइजर इधर हम बढ़ते हैं इसके कलेक्शन में, तो देखो इधर आपने देख ही पा रहे होगे लगभग 441 गाइजर इस बंदे के पास इसके ओवरकोट है, एंड गाइजर कोबरा का बंडल जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा रेयर है। उसके बाद गाइजर इसके पास ही अपना बुया डे वाला बंडल भी है जिसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं, एंड गाइजर उसके साथ इस बंदे के पास है आपका सीजन 4 का एलाइट पास जो कि बहुत ही ज्यादा रह रहा है जैसे कि आप इधर देख ही पा रहे हो। उसके बाद अगर हम बढ़ते हैं इधर तो इसके पास है अपना जोकर बंडल जो कि बहुत ही ज्यादा रह रहा है। और किसी साथ गाइजर अगर हम बात करें इसकी तो गाइजर इसके पास सीजन 7 का एलाइट पास भी है, तो जहां तक है ये भी लाइट पर बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। एंड गाइजर आपको कैसा लगता है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। एंड यार ये देखो मेरा फेवरेट एलाइट पास है, तो ये किसी और के बंडल के साथ मैच करके इसे पहन तो नहीं सकते, बट दिखने में बहुत ही सही लगता है। इसका हेड मेनली हेड तो बहुत ही सही लगता है। उसके बाद गाइजर आप इधर देख पा रहे होगे तो इसका मुझे ज्यादा ध्यान नहीं है, शायद से अपने डायमंड रॉयल में आया था या फिर गाइजर ये कोई लाइट पास होगा। हाँ ये तो लाइट पास है अपना, एंड गाइजर जहां तक पिछले वाले का मुझे इससे ध्यान नहीं है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताओ जो पिछला वाला था वो लाइट पास था या फिर गाइजर कोई डायमंड रॉयल था। एंड गाइजर ये है हमारा फर्स्ट रैंपेज लाइट पास एंड फर्स्ट लाइट पास जो कि मैंने बाय करा था, बट मेरे पास है नहीं क्योंकि मैंने इतने बैजेस कंप्लीट नहीं कर पाया था। मतलब गाइजर इधर आप देख ही पा रहे होगे वी बैज वालों के भी मजे ही है, जहां तक इनमें से कम 50% बंडल ऐसे होंगे जो कि इस बंदे ने गाइजर लिए होंगे अपने गरीना से मांग के। गाइजर अब आप इधर देख पा रहे होगे इसके पास ही कि अपना ये वाला फोर्स वाला भी कुछ बंडल है, गाइजर ये अपना नेक्स्ट एलाइट पास वाला भी बंडल है इस बंदे के पास, तो बंडल्स की तो बंदे के पास कमी ही नहीं है। एंड यार आप इधर देख पा रहे होगे इस बंदे के पास सस्ता ज़ॉम्बी समुराई बंडल भी है। गाइजर आप में से कौन कौन बंदा एग्री करता है कि वो वाला बंडल सस्ता समुराई बंडल है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। एंड गाइजर इस बंदे के पास आपका लोकेश गेमर का बंडल भी है, तो जहां तक है यार इस बंदे को उस वाला बंडल पहनने के बाद एकदम लोकेश गेमर वाली फीलिंग आती होगी। एंड गाइजर आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि अगर आपकी एक वी बैज आईडी होती तो आप सबसे पहले क्या लेना पसंद करते ग्रीन से। एंड गाइजर इधर बढ़ते हैं हम और बंडल्स पे, तो जहां तक है गाइजर इस बंदे के पास अपना लास्ट टाइम का शायद से रैंपेज बंडल भी है, एंड गाइजर और भी बहुत ही सारे बंडल है, भूया डे का बंडल एंड ऐसे ही बहुत ही सारे मजेदार। एंड गाइजर ये वाला बंडल कहां गया है, तो गाइजर ये अजीब से चोंच वाला बंडल था, ये कौन सा बंडल है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, एंड ये भी बताना कि आखिर ये बंडल आया कब था। एंड ये अपना निंजा वाला बंडल भी है जो कि लास्ट का शायद इनक्यूबेटर था, एंड गाइज ये आप देख सकते हो ये अभी के शायद से इनक्यूबेटर है या पता नहीं कौन से थे रैंपेज थे क्या थे। एंड गाइजर ये अपना आर्टिक ब्लू का जुड़वा भाई है, तो यार इस वाले बंडल का मुझे ध्यान नहीं कि कौन सा बंडल है, नीचे मुझे इसका भी कमेंट करके बताओ कि कौन सा बंडल है एंड ये आर्टिक ब्लू के साथ आया था उससे हट के आया था। एंड यार अब हम आ चुके हैं इसके और कलेक्शन पे, तो
देखो पहले अभी इसी खत्म कर लो यार, ये इतना लंबा कलेक्शन है। एंड गाइस मैं सच बता रहा हूँ, इस वक्त रिकॉर्डिंग 2x2 पे चल रही है, तब भी गाइस सर इसका इतना हल्का मतलब देर में इतना कलेक्शन खत्म हो रहा है। अभी 5 मिनट हो चुके हैं, मुझे दिखाते दिखाते। एंड अभी शर्ट्स भी इसकी खत्म नहीं हुई है। एंड यार देखो इसके बाद इतना तगड़ा समुराई बंडल है, तो आप इधर देख ही पा रहे हो यार आखिर वी बैज वाली आईडी कितनी तगड़ी होती है यार। इसमें इतने सारे बंडल है इसके पास। एंड जहां तक इनमें से कुछ तो ऐसे होंगे जो कि इसने करीना से लिए। एंड जहां तक है मैं आपको करीना के एक स्कीम के बारे में बताता हूँ कि गाइस जिस बंदे के 1 मिलियन सब्सक्राइबर है एंड वो पार्टनर प्रोग्राम में है, उसका वी बैज है, तो उस बंदे को करीना गिफ्ट करता है लगभग 10,000 डायमंड, समझ रहे हो। एंड गाइस ये स्कीम अब से बहुत ही पहले से चल रही है। एंड गाइस जहां तक है ये बंदा भी चूज करते करते थक जाता होगा कि आखिर भाई क्या पहनूं, भाई इसके पास इतने सारे बंडल है, ये थक जाता होगा चूज करते करते। एंड ग्रीन क्रिमिनल भी है, शार्क वाला, भालू वाला। सो गाइस आपको भी आपके भाई का ड्रीम कम ट्रू करना है एंड काफी जल्दी ही आपको आपके भाई के घर पे लेकर आना है सिल्वर प्ले बटन, तो इसीलिए जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन करके वापस सेट कर देना। एंड जहां तक है अभी हम 20K भी बहुत ही क्लोज हैं, तो जल्दी से यार सब्सक्राइब कर देना एंड 20K भी जल्दी से कंप्लीट करा दो, क्योंकि 20K पे होने वाला है एक स्पेशल Q&A एंड उसी के साथ एक और काफी ज्यादा खास चीज होने वाली है, एक गिव अवे। तो जो भी बंदा ये सब एंजॉय करना चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड गाइस ज्वाइन हो जाना हमारी MG ऑफिशियल आर्मी में। एंड जहां तक है इस वीडियो को अगर आप शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर देना एंड दिखाना बंदों को कि आखिर वी बैज वाली आईडी कितनी तगड़ी होती है। एंड गाइस अगर आपका कोई फ्रेंड इस बंदे का फैन हो तो उसे तो ये वीडियो जरूर से जरूर ही दिखाना, ताकि गाइस उसे पता चल सके कि उसका जो फेवरेट यूट्यूबर है उसकी आईडी आखिर कैसी है। सो भाई जब मैंने ये वीडियो मतलब रिकॉर्ड करी थी तो लगभग आधे घंटे की ये वीडियो रिकॉर्ड हुई थी एंड अभी चल रही है जबकि 2x2 पे लगी पड़ी है। सो गाइस मेरे हिसाब से इसके पास हर एक वो इमोट है जो कि अभी तक फ्री फायर में आया है। सो गाइस इस बंदे के पास टोटल 94 इमोट्स है एंड गाइस 150 बैक स्किन्स है। देखो इधर आप देख ही पा रहे होगे। एंड ये कौन सी बैक स्किन थी भाई, ये यार ये बंदर वाली कौन सी स्किन थी जो ये बंदर ऐसे नाच रहा था पीछे बैठा हुआ, यार ये मतलब पहनने के बाद कुछ लगता होगा ये वाला बैग, लेकिन बंदर ने फिर भी लगा नहीं रखा है। तो इधर गाइस मैंने आपको इसके बहुत ही सारे आइटम्स दिखा दिए हैं, तो नीचे मुझे कमेंट करके कमेंट बताना कि गाइस आपको इस बंदे की पूरी आईडी में से कौन सा आइटम सबसे बेस्ट लगा। तो सच में अगर मैं बताऊं ना तो इसकी पूरी आईडी में से सब गाइस सबसे बेस्ट हो गाइस बैकपैक ही था वो बंदर वाला। तो जहां तक गाइस आज मैंने आपको इस बंदे की आईडी का लगभग 80% कलेक्शन दिखा दिया है, बाकी का 20% कलेक्शन जो कि इसका वेपन है तो मैंने गाइस आज की इस वाली वीडियो में नहीं कंटिन्यू करा, क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। तो गाइस अगर आप इसका बाकी कलेक्शन देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और उसी के साथ नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता ही देना। चलो मिलेंगे आपसे अगली ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव एंड गाइस मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।